हर हर महादेव। आज मैं अपनी बेटी को उसके स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में शिवजी बनाई थी, जिसमें सारे के सारे चीज़ें जो है मैं घर में एकदम स्क्रैच से ही बनाई थी। तो आज के ये वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या बनाई हूँ। मैंने बनाया है उसका ड्रेस, उसका त्रिशूल, उसका स्नेक, बाल में लगे हुए चांद, इयररिंग्स, उसके डायलॉग डिलीवरी एंड उसका जो भी फुल मेकओवर है वो पूरा दिखाया गया है। मेरे डॉटर के स्कूल में आज तक जितने भी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुए हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, कम्युनिटी हेल्पर्स, इंडिपेंडेंस डे, ये सारे के सारे वीडियोस मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम बनाएंगे शिव भगवान का ड्रेस। अगर आपको इस पैटर्न का कपड़ा कपड़े वाले दुकान में ना मिले तो सोफा बनाने वाले दुकान में जरूर मिल जाएगी। तो सबसे पहले बच्चे का कोई ड्रेस ले लीजिए एंड उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी ये टाइगर प्रिंट का कपड़ा है उसको कट करिए एंड हैंड से ही आप इसको इजीली सिल पाओगे। 4 से 5 साल के बच्चे के लिए 1 मीटर का कपड़ा काफी होता है, जो पड़ता है 150 से 200 रुपए। तो ये है शिव जी का ऊपर का टॉप। अभी हम बनाएंगे नीचे का स्कर्ट। इसको दोनों साइड से स्टिच करनी है एंड देन ऊपर में एक बेल्ट बना के उसको भी जोड़ना है एंड दैट्स इट। नीचे से बस इसमें जिगजैग पैटर्न में कट करना है। आगे से सारे किड्स रिलेटेड प्रोजेक्ट वर्क और फैंसी ड्रेस के डिटेल्स वाले वीडियोस आपको जरूर से मिल जाएगा, तो बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करिए। तो नेक्स्ट बनाएंगे त्रिशूल। त्रिशूल के लिए हमको लगेगा कुछ कार्डबोर्ड, कलर पेपर्स, गम एंड एक रॉड। मैंने लिया है वाटर पाइप। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप कोई भी डंडा भी ले सकते हो। एक कार्डबोर्ड लेंगे, उसमें ये पैटर्न को ड्रॉ करेंगे एंड अच्छे से कट कर लेंगे। हमारा त्रिशूल घर के वेस्ट मटेरियल से ही बन जाएगा। डंडा या फिर रॉड को गोल्डन कलर पेपर से रैप कर लेंगे। सारे स्टेप्स को जानने एंड समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। त्रिशूल को बेटर सपोर्ट देने के लिए नीचे से इसको 3 हिस्से से डिवाइड किया है एंड रॉड के ऊपर इसको रैप करेंगे। और ज्यादा मजबूती के लिए इसको रस्सी से बांध के सेलो टेप भी लगा देंगे। अब बारी है पूरा त्रिशूल को गोल्डन पेपर में रैप करने का। क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ इसको बनाना पड़ेगा। तो त्रिशूल के बैक साइड में हमने ये एक्स्ट्रा एक पीस भी लगा दिया। अब डमरू को इसमें बांध दें एंड हमारा त्रिशूल हो गया रेडी। अब चलिए बनाते हैं शिव जी का स्नेक। इसको बनाने के लिए मार्केट से मैंने लिया 1 मीटर आयरन का वायर, जो कि ऑलमोस्ट 2-3 रुपए में ही आ गया। नेक के साइज के अकॉर्डिंग वायर को शेप देंगे एंड एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। नेक्स्ट हम वही वायर को अभी न्यूज़पेपर में रैप करेंगे। मैंने लिया 4 न्यूज़पेपर एंड अभी रैप करना स्टार्ट किया है। लेकिन क्योंकि सांप का एक साइड मोटा होता है एंड एंड के साइड पतला होता है, तो हम न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा कट करते जाएंगे। ध्यान रखिए कि न्यूज़पेपर को डायगोनली कट करना है। नेक्स्ट पूरा स्नेक को ब्लैक या फिर ब्राउन कलर में रैप करना है।
नेक्स्ट बनाएंगे स्नेक का फेस। रॉड को नेक के साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे एंड फेस को लगा देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डबल साइडेड सेलो टेप से हमने ये बढ़िया इयररिंग बना लिया जो कि कोई भी एज के बच्चे के लिए आप बना सकते हो। अभी लगाएंगे सर में लगाने के लिए मून, जिसके लिए ओनली कार्डबोर्ड एंड व्हाइट सिल्वर कलर का पेपर लगेगा। तो अभी चलिए देखते हैं मेकअप के लिए मैंने क्या क्या सामान इकट्ठा किया है। 2 रुद्राक्ष की माला, एक गले के लिए एंड एक बालों के लिए एंड 4 रुद्राक्ष के ब्रेसलेट्स, एक हेयर डोनट, कुछ आर्टिफिशियल हेयर्स, पिन, रबर बैंड्स एंड 3 कलर के कुमकुम। क्योंकि मेरे डॉटर का बहुत ज़्यादा बाल नहीं है तो ये हम उसका हेयर बन बना रहे हैं। तो सबसे पहले डोनट को हेयर से अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आपके पास आर्टिफिशियल हेयर नहीं है तो ब्लैक कलर के रोप को ला के उसको खोल के इस्तेमाल हो सकता है। अब है नेक्स्ट सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, बच्चे को कैसे मेकअप करें। सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि बच्चा हैप्पी होना चाहिए, बच्चे का नींद अच्छा हुआ रहना चाहिए, बच्चे का पेट भरा रहना चाहिए एंड मेकअप के बीच में उसका एंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टार्टिंग से बच्चे को पूरा कॉस्ट्यूम नहीं पहनाना है, थोड़ा बहुत कपड़े पहना के जो भी मेकअप है वो कर लें, एकदम से एंड में बाकी का कपड़े पहनाएं, नहीं तो बच्चे स्टार्टिंग से ही चिड़चिड़ होना चालू कर लेते हैं। बच्चे से बीच बीच में बात करते रहिए, उसको बताते जाइए कि आप क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो। ये बोलो, मैं शिव हूँ। मैं शिव हूँ। मैं प्रारंभ हूँ। मैं प्रारंभ हूँ। मैं ही अंत हूँ। मैं ही अंत हूँ। मेरी बेटी तो ये पेन फ्री इयररिंग्स को देख के बहुत हैप्पी हो गई थी। पूरा मेकअप उसने स्नेक एंड त्रिशूल के साथ खेल खेल के कंप्लीट किया। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि मेरे पास एक पैकेट यूपिन था, बट अगर 2 पैकेट लीजिए तो बेटर रहेगा। बेटर है रुद्राक्ष माला को भी एक यूपिन में फिक्स कर दीजिए। ये लो, हमारे शिवजी हो गए रेडी। बोलो हर हर महादेव। आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन का बहुत ज्यादा जरूरत है, तो भूलिएगा नहीं। सदा सुखी रहो।